Hello everyone, I'm Arpita Hajra, your paper 1 teacher. I hope you all are well and started your preparation. And last class we have started research aptitude, and today we will learn about research aptitude. Research aptitude is very important for all of you who is going to appear UGC NET for paper 1. And also very important for those who is appearing in social work and sociology, क्योंकि social work और sociology दोनों का ही paper 2 का जो subject है, paper 2 का जो paper होने वाले हैं उसमें research aptitude है. तो आपको paper research से, mainly research से आपको 5 से 7 question paper 1 में मिलेंगे और paper 2 में आपको 10 से 12 question मिलेंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको. और हम लोग आज क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे आज. और टाइप्स ऑफ रिसर्च इज़ अ बिग टॉपिक, तो मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में करते हैं. तो हम लोग आज एक पार्ट कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग और एक पार्ट करने वाले हैं. तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप लोग शुरू कर दीजिए अपना प्रिपरेशन. पेपर 2 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पेपर 1 इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो GRF होता है ना वो पेपर 1 ही डिसाइड करता है, क्योंकि पेपर 2 में ऑलमोस्ट सबका एक ही जैसा मार्क्स होते रहते हैं. तो पेपर 1 अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि नेगलेक्ट मत कीजिए. हम लोगों का होता है कि हम लोग पेपर 2 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं बहुत मोटिवेशन के साथ, पर पेपर 1 एकदम न्यू होता है तो हमको पढ़ने में भी डर लगता है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, ये सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है. तो आप लोग ऐसा मत करो, पेपर 1 भी पढ़ना शुरू करो. एंड आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च. एंड बिफोर दैट आई एम अर्पिता हाजरा, दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड दिस इज़ माय ईमेल आईडी एंड दिस इज़ द चैनल्स ईमेल आईडी. यू कैन मेल मी एंड द चैनल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द कोर्स एनीथिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल अस. एंड टू नो मोर अबाउट द चैनल द कोर्स यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल. And this is all about the course, and the new course has already started from 1st Jan, and this is our target that we will crack NET GRF in June 2022. And for that CP Yadav classes has started, paper 1 classes and paper 2 in social work, and women's paper 2 women's studies. And to know more about the courses, how can you join the courses, क्योंकि YouTube में सब कुछ नहीं करा पाएंगे हम लोग, तो इसीलिए CP Yadav classes एक ऐप है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो पेड कोर्स के थ्रू. तो आप लोग एक्सप्लोर करो ऐप को, यू कैन एक्सप्लोर द ऐप एंड टू नो मोर अबाउट अस एंड द कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर. Let's start research, types of research. So mainly types of research are 2, quantitative and qualitative. I mean, you have, I think you have learned about the descriptive, there is descriptive research, experiment research, exposed factor research, action research. There are many research, but अगर आप ब्रॉड वे में रिसर्च को डिवाइड करना चाहते हो तो आपको आप दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हो. ये जितने सारे रिसर्च मेथड्स होते हैं वो या फिर क्वालिटेटिव होता है या फिर क्वांटिटेटिव होता है. तो जितना भी रिसर्च मेथड्स आप पढ़े हुए हो अभी तक वो क्वांटिटेटिव में होता है या फिर क्वालिटेटिव होता है. लेट्स लर्न व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. Quantitative research is a research method which is used to generate numerical data and hard facts for employing statistical, logical and mathematical techniques. तो एक चीज़ मैं आपको याद दिला देती हूँ, अभी बोल देती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, एग्ज़ाम का क्वेश्चंस जो होते हैं ना बहुत लेंदी होता है, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. अगर आपको कुछ की टर्म्स याद हो जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं लोग, तो बहुत जल्दी जल्दी आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि टाइम का भी एक बात होता है कि 3 घंटा समय होता है हमारे पास और 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ता है.
150 क्वेश्चन, और अभी आफ्टर 2018 क्वेश्चंस इतना लेंदी हो रहा है तो आपको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो कुछ की टर्म्स को आप पकड़ो, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल टेक्निक, ये सारे की वर्ड्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। कहीं पर भी आपको ये सारे वर्ड्स दिख जाए तो आप इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च सोच लेना आपको, क्योंकि यही सारे की पॉइंट्स आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम में आपको काम आने वाले हैं। आफ्टर दैट क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी दैट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑन ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज टू फाइंड द वे पीपल थिंक एंड फील। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको क्या करना है, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना है। यहाँ पर न्यूमेरिकल कोई बात नहीं होता है। अगर एक वर्ड में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बोलूँ तो वन वर्ड विल बी न्यूमेरिकल। ये बहुत सारे डिफरेंसेस है इनमें, पर सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस अगर कुछ है तो इसका, ये न्यूमेरिकल है और ये फैक्ट बेस्ड है ना। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जब आप पढ़ोगे तब आप इसको न्यूमेरिकल, जब अगर आपको बोल दे कि यहाँ पर अगर कुछ न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बोल दे तो आपको आंख बंद करके इसको सोच लेना है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होगा कि फैक्ट बेस होगा, इट विल बी सब्जेक्टिव। तो आई थिंक क्लियर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टुडे मैंने बोला कि ये टॉपिक बहुत लेंदी है तो हम लोग दो पार्ट में इसको करेंगे, तो इसीलिए आज हम सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही डिस्कस करेंगे। उसका की पॉइंट्स, की वर्ड्स क्या है और कौन सा मेथड्स से हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, यही सारे चीज़ का एक बेसिक क्लियर हम लोग कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ समझाना इम्पॉसिबल है और आपके लिए भी समझना भी इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग आज क्या करेंगे, सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही पढ़ेंगे। तो कुछ की टर्म्स, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि आप अगर बहुत जल्दी और अच्छे से और ठीक से आप सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन तो आपको की वर्ड्स कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए इट इज़ पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर, आपको दिया जाएगा ये सारे लाइंस, ये सारे वर्ड आपका क्वेश्चन में आपको दिखेगा, आपको देख के ही आइडेंटिफाई करना है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो मेथड्स है, जो जितने सारे आप मेथड्स पढ़ने वाले हो इसके बाद, वो भी उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीज़ आने वाला है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव, कंक्लूसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, डिडक्टिव, रैंडम सैम्पलिंग, डेटा न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल, हाइपोथेसिस टेस्टेड एंड एग्जामिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूजेस शेड्यूल क्वेश्चनरी फॉर डेटा कलेक्शन एंड स्ट्रक्चर्ड। तो अभी समझते हैं इसमें क्या है। इट इज़ पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर। व्हेन यू विल सी सम पॉइंट इन अ क्वेश्चन और आपको बोला जाएगा कि इनमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और ये लिखा जाएगा इट इज़ होलिस्टिक इन नेचर, इट इज़ पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर, ये सब कुछ दिया होगा। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर इसमें आपको क्लिक करना है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ कंक्लूसिव, इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड। जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो ना तब आपको रिसर्च की एंड रिजल्ट में फोकस करना पड़ेगा। इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, इट इज़ डिडक्टिव। डिडक्टिव, वाई इट इज़ डिडक्टिव, बिकॉज ये आपको जनरल से पार्टिकुलर तक आते हैं, कुछ जनरल्स व्यू होगा उससे आपको क्या करना है, पर्टिकुलर व्यू में आना पड़ेगा इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, ये सब कुछ हम लोग कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। यूट्यूब में अगर सब कुछ पॉसिबल ना हो तो हम लोग कोर्स में ये सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। रैंडम सैम्पलिंग, अगर रिसर्च कर रहे हो आप तो आपको सैम्पलिंग करना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो आप जो सैम्पलिंग मेथड आप चूज़ करोगे वो होगा आपका रैंडम सैम्पलिंग।
तो रैंडम सैम्पलिंग का भी कुछ कुछ मेथड है, हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे इस सारी चीज़ को। डेटा न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल, पहले ही बोला था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का डेटा हमेशा न्यूमेरिकल होता है, और अगर ये न्यूमेरिकल है तो ये मेजरेबल भी होगा। हाइपोथेसिस टेस्टेड, आपको पता है जैसे रिसर्च करने के लिए आपको हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है ना कि हाइपोथेसिस को आप जनरेट करते हो पर उसमें टेस्ट नहीं करते हो, पर अभी क्वांटिटेटिव रिसर्च में ना हाइपोथेसिस टेस्ट भी होता है। एग्जामिन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स होगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और भी वेरिएबल्स होता है पर काम सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर ही होता है। तो एग्जाम्पल मैं इन दोनों का ही दे रही हूँ, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये आपको क्वान्टिटेटिव रिसर्च से पता चलता है। यूजेस शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी फॉर डेटा कलेक्शन, देखो आप क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, आप उसमें न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हो। जब आप न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो इसके लिए क्या होता है ना कि ज़्यादा इलाबरेट करने की ज़रूरत नहीं होता है, तो आप शेड्यूल और क्वेश्चनरी के थ्रू बहुत अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। एंड इट इज़ स्ट्रक्चर्ड, हर चीज़ एकदम स्ट्रक्चरल वे में होता है। यहाँ पर आपको कुछ मतलब क्या बोलूँ कि लोगों को इतना ऑब्जर्व करना ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ करना पड़ेगा, पर क्वालिटेटिव रिसर्च में जितना करना पड़ता है उतना नहीं करना पड़ता है क्वांटिटेटिव में, एंड इट इज़ स्ट्रक्चर्ड। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटेटिव रिसर्च का तो कुछ मेथड्स है ना, जैसे हम मैं आपको बोलती हूँ कि ये एक रिसर्च टाइप है, उसके तो कुछ मेथड्स होगा ना जिस मेथड्स के थ्रू आप ये रिसर्च करते हो, और कुछ मेथड्स है जो इसके अंदर होता है। जब मैंने पहले ही बोला था कि जितना भी आप रिसर्च का जितना भी मेथड्स पढ़ो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में आ जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेथड क्या क्या है, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, इसको इसका मतलब एक ही मतलब है, दो नाम है इसमें, और प्योर रिसर्च भी इसको बोला जाता है, फंडामेंटल बेसिक एंड प्योर रिसर्च बोला जाता है एक मतलब फंडामेंटल रिसर्च को। अप्लाइड रिसर्च मेथड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च मेथड एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड, दीज आर द मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी हम लोग इसको समझेंगे हर रिसर्च मेथड को, ऐसा नहीं कि सब कुछ समझ लेंगे पर मैं चाहूँगी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा रिसर्च क्या बोलते हैं अब और कब हम रिसर्च करते हैं। मतलब ऐसे ही तो नहीं कि हर चीज़ में आपको हिस्टोरिकल रिसर्च होगा या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, सिचुएशन क्वेश्चन या पर्पस वाइज आप ये सब कुछ रिसर्च कर सकते हो। अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सारे रिसर्च होते क्या है। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। फर्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और इसको प्योर रिसर्च भी बोला जाता है। द मेन पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च इज नॉलेज एनहेंसमेंट, आपको क्या करते हो कि आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज है, जब आप उसी चीज़ पे रिसर्च करते हो क्या करते हो, डिटेल में जाने की कोशिश करते हो और अपना नॉलेज इन्हांस करते हो, दैट इज़ फंडामेंटल और बेसिक और प्योर रिसर्च। देर इज़ नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक रिसर्च एट द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, प्रेजेंट में और फ्यूचर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है अभी तक, तो मतलब फंडामेंटल रिसर्च का उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है। द नेक्स्ट इज़ अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च इज़ डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम, इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड फेनोमेना। जब आपके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हो, उसके बाद वो प्रॉब्लम क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो, उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हो। आप इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए आप यूज़ करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फेनोमेना,
किसी भी फेनोमेना को जानने के लिए आप अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपका ना क्वेश्चन पर, जो प्रॉब्लम आप चुने हो उस प्रॉब्लम के बेस, प्रॉब्लम के ऊपर और आपका जो सरकमस्टांसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रिसर्च मेथड चूज़ करने वाले हो। और एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च में जो आप नॉलेज पाते हो उस नॉलेज को आप अप्लाइड रिसर्च में यूज़ करते हो। क्या ये पॉइंट क्या है कि आप फंडामेंटल रिसर्च में आप जो नॉलेज बिल्ड करते हो, आपको जो नॉलेज मिलता है उसका आप इस्तेमाल अप्लाइड रिसर्च में करते हो। अभी तक के लिए आई थिंक आप समझ पाए, मतलब सब कुछ क्लियर है आपके लिए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द फेनोमेना एंड ऑब्जर्वेशन एज इट एज। क्या है ना, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो एज इट एज आप लिख रहे हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, आप जो देख रहे हो वही लिख रहे हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर द क्वेश्चन हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि अगर ऐसे ही दिया जाएगा हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और उसके दूसरे कॉलम में व्हाई, ये सब कुछ क्वेश्चन दिया, एक कॉलम में दिया जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैच द कॉलम करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हु डिड दिस एंड व्हाट हैपेंड देन, ये सब का व्हेयर हैपेंड इट, ये सब कुछ जो क्वेश्चन होता है ना उस चीज़ का आंसर होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेंसस, नेशनल सैंपल सर्वे आर द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सोचो अगर जब सेंसस में लोग आते हैं, आपके घर में आते हैं कि इस घर में इतने लोग हैं, ये कैटल है, इतना रूम है, ये सब कुछ जब आपसे जानते हैं लोग, तब क्या करते हैं ना, जो डेटा उनको मिल रहा है वो ऐसा ही प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट भी वैसे ही प्रेजेंट करते हैं, कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं होता है ना इस चीज़ में। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जो आप देख रहे हो एज इट एज उस चीज़ को आप लिख रहे हो, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आई होप यू अंडरस्टूड इट। एंड देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेके, और स्पेशली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को लेके मैं एक क्लास कराने वाली हूँ, आप लोगों को एक क्लास ले लूँगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिक चीज़ जो अभी आप ये समझ लो व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और उसके बाद आगे जाके हम लोग मतलब कितने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कितने टाइप्स है ये सब कुछ हम लोग जान लेंगे, अच्छे से जान लेंगे। अभी सिर्फ जान लो व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। देर आर फ्यू वेरिएबल्स, आई वुड से दैट ओनली टू वेरिएबल्स, दैट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देर आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, और भी सारे वेरिएबल्स है, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। तो अभी क्या करेंगे ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग ये बाकी वेरिएबल्स को भी हम लोग जान लेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है कि जब हम किसी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अनदर जिसमें हम लोग इफेक्ट करें, कहीं पर अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो उसका तो इफेक्ट कहीं पर दिखेगा, तो जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसमें आपका इफेक्ट दिख रहा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एन एग्जांपल कि आप जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप प्रॉपरली हर रोज़ पानी देते हो पेड़ को तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो आप अपने घर में एक पौधे लिए, एक प्लांट, तो आप उसको रेगुलरली पानी दे रहे हो, और एक प्लांट ले लिया आपने कि क्या कर रहे हो उसमें रेगुलरली नहीं दे रहे हो, तो आप यहाँ पर पानी दे रहे हो। पानी क्या है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, हर रोज़ पानी दे रहे हो प्लांट पे,
और प्लांट का जो ग्रोथ है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ग्रोथ हो रहा है रेगुलरली पानी देने के लिए, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। आप उसको उसको ग्रोथ देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ पानी के वजह से ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। तो ग्रोथ क्या है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग पानी दे रहे हैं, पानी देना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहाँ पे आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, पानी दे रहे हो, उसका इफेक्ट आपका ग्रोथ में दिख रहा है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर दिक्कत है तो यू कैन कमेंट एंड वी विल डिस्कस इट मोर इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में ही पढ़ेंगे और क्वालिटेटिव रिसर्च को पढ़ेंगे। तो अगर दिक्कत होगा तो मैं वहाँ पे आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड देन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू और इवेंट। कुछ चीज़ हो गया है, बहुत पहले कुछ चीज़ हुआ है, उस चीज़ को लेके जब आप फिर से रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। फॉर एग्जांपल इवैल्यूएशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखो अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अभी जो आया है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के ये लेक्चर अब सुन रहे हो, तो ऐसा तो नहीं था ना। शुरू तो हुआ था वो गुरुकुल में, गुरु के घर में रह के शिक्षा शुरू करना, गुरुकुल की शिक्षा से शुरू करके आज ऑनलाइन टीचिंग। तो एक दिन में तो नहीं आया है ना, उसका तो इवोल्यूशन हुआ है कि गुरुकुल में टीचिंग होता था, उसके बाद स्कूल आया, स्कूल में जैसे इंडोर टीचिंग होता था, उसके बाद जैसे ऑनलाइन टीचिंग, आज हम लोग मूक्स और स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, घर में बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक मतलब पुराने चीज़ को हम जानने के बाद ही तो नई चीज़ में आएंगे ना। तो इवैल्यूएशन जानने के लिए आपको पूरा एकदम गुरुकुल की शिक्षा से लेके अभी तक ऑनलाइन टीचिंग सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। सो हिस्टोरिकल रिसर्च आपका जो पास्ट इवेंट है उसको लेके डिस्कस करते हैं। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, थोड़ा सिमिलरिटी ये हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ है। कैसे है? एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कब होता है? आफ्टर द अकरेंस ऑफ द इवेंट। किसी चीज़ हो गया है, कोई इवेंट हो गया है, उसके बाद आप उस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हो। पर डिफरेंस कहाँ है हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में, कि हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत पुराना जो इंसिडेंट है उस चीज़ को लेकर डिस्कस कर सकता है। पर एक्सपोज फैक्टर जो रिसर्च है ना, वो जो इमीडिएटली और रिसेंटली जो चीज़ हुआ है उसी चीज़ को लेके एक्सपोज फैक्टर रिसर्च डिस्कस करते हैं, है ना। कि डिफरेंस क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत पुराना इवेंट्स को लेके डिस्कस करते हैं, एक्सपोज फैक्टर इमीडिएटली जो घट चुका है, जो कुछ दिन पहले हुआ है, ऐसा हो सकता है पर उतना पुराना नहीं, इमीडिएट इंसिडेंट के ऊपर डिस्कस करता है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में भी दो वेरिएबल्स होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है दो वेरिएबल्स होता है, जो मतलब एक्सपोज फैक्टर में क्या होता है ना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करते हो आप, पर जब एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होता है तब नो मैनिपुलेशन, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, किसी भी वेरिएबल्स को कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। आई होप इट इज़ क्लियर कि डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा ये क्वेश्चन ए प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आ चुका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोज फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएंगे। और ये चीज़ हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के साथ क्या क्या डिफरेंस है, इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इमीडिएटली जो चीज़ हुआ है, जो घटना घटा है, उस चीज़ को लेकर डिस्कस करता है। द लास्ट वन फॉर टूडे इज़ एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या हुआ है, कुछ चीज़ हो चुका है, आपके पास पूरा डेटा है, मटेरियल सब कुछ है, उसका आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हो,
आप क्या करते हो कि उसको इवैल्यूएट करते हो, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ। आपको नया से कोई डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, जो आपका आपके पास है उसी चीज़ को आप इवैल्यूएट करते हो कि ये सब कुछ मतलब क्या क्या बोले इसको, जे जो घट चुका है उसी चीज़ को आप क्रिटिकली एनालिसिस करते हो। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर है आपके लिए, क्योंकि अगर कुछ दिक्कत है तो मैंने आपको बोला है कि आप पूछो, अगर दिक्कत है तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का कोई क्या क्या की वर्ड्स हमको याद रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ क्या क्या मेथड्स है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। आई होप आप क्लियर हो। तो अभी आज के लिए इतना ही है, फिर आगे हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्या क्या मेथड है, उनका क्या क्या किए पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताओ समझ में आया ना सब कुछ। और एक चीज़ कि आप लोग पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई शुरू किए हैं ना अभी, अब फिर से बोल रही हूँ पेपर वन को नेगलेक्ट मत करो, क्योंकि आपको पेपर वन, जितना पेपर टू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही पेपर वन भी इम्पॉर्टेंट है। हर रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, और मतलब ऐसा नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल पूरा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कोर्स ज्वाइन करो, इससे भी बेटर सीखने के लिए। और कोर्स में क्या क्या चीज़ होगा ये सब कुछ लेके मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो सर ने पेपर टू सोशल वर्क का दे दिया है आपको कि क्या क्या कोर्स में क्या क्या मिलेंगे। मैं भी आपको एक जिस्ट दे दूँगी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो पेपर वन के लिए आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगे, कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेंगे। तो एक वीडियो मैं बना के आपको दे दूँगी, आप देख लेना, और आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कोर्स ज्वाइन कर लेना और पढ़ते रहो, बस इतना ही। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय।